स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ स्टार पिजन में। ये एक पट्टा था मेरे यहाँ, इस बारिश में भीग गया था जिसकी वजह से इसको सर्दी जुकाम हो गई थी। हम थोड़ा बाहर काम से चले गए थे, जो मेरा कबूतर देखता है उसने इसको ओवरडोज दे दिया एजिथ्रोमाइसिन, जिसकी वजह से इसका नाक और गले में पूरा कफ जम गया। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी कबूतरों को दवा दें तो उसको ओवरडोज नहीं देना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं दवा में कबूतरों को देने के लिए एजिथ्रोमाइसिन, जो ओवरडोज होने से इसका लीवर वगैरह सब डैमेज हो जाता है। इसकी आप देख सकते हैं क्या पोजीशन, क्या हाल है, पूरा चेहरे पे सूजन वगैरह आ गई है और कफ पूरा नाक में और उसमें पूरा जाम हो गया है। तो आपको इंग्लिश मेडिसिन देते वक्त ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि कितना डोज में देना है आपको। ओवरडोज देने से देखिए ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं, आँख वगैरह पूरी स्वेलिंग आ गई है, कफ इसका जम गया, बाहर नहीं निकल पाया है। ओवरडोज देंगे तो आप के भी कबूतर ऐसे दिक्कत में आ जाएंगे। हम थे नहीं, थोड़ा बाहर गए थे, जो मेरा केयर टेकर था उसने ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से ये पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या हाल है कबूतर की। यही होता है, लोगों को जानकारी नहीं होती कितना देना है डोज, ओवरडोज देने की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट है। ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन 250 mg। इसको कम से कम एक टेबलेट 10 कबूतरों के लिए होती है और ये मेडिसिन बस कबूतरों में 2 दिन ही चलाई जाती है। ज़्यादा चलाने से कबूतरों का लीवर वगैरह डैमेज हो जाता है, काफ़ी इसी तरीके से जम जाएगा। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है